नमस्ते, मैं मेघा, न्यूज मूवमेंट हिंदी में आपका फिर आज की खबरों की सुर्खियां। आम आदमी पार्टी के एक और विधायक के घर छापामारी, गुलाब सिंह के आवास पर पहुंची जांच एजेंसी की टीम। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का बड़ा एक्शन, देश भर के 20 स्कूलों की मान्यता रद्द। दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को शराब घोटाले मामले में बीआरएस नेता के कविता को 3 और दिनों के लिए प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेजा गया। पहली बार आसनसोल जिला अस्पताल के चिकित्सकों कर्मियों की मानवीय पहल, 55 टीवी रोगियों को दी 6 महीने की खाद्य सामग्री अपने वेतन से। जेएनयू में छात्र संघ चुनाव से कुछ घंटे पहले चुनाव समिति ने वामपंथी उम्मीदवार का नामांकन रद्द किया। महुआ मोइत्रा के कोलकाता के अलीपुर स्थित आवास पर सीबीआई ने मारा छापा, पहुंची रत्नावली। चार कैया भाग प्रायोजित आरआईसीआईएस रानीगंज द्वारा। सीनियर रिपोर्टर इसरार अहमद के अनुसार शनिवार सुबह सीबीआई की एक टीम अलीपुर स्थित रत्नावली नामक आवास पर गई थी। मालूम हो कि महुआ के पिता दीपेंद्र लाल मोत्र 9वीं मंजिल पर एक फ्लैट में रहते हैं। केंद्रीय जांचकर्ताओं की एक टीम वहां गई थी। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय जांच एजेंसी बंगाल में सत्ताधारी पार्टी के कई नेताओं और करीबियों के घरों पर छापेमारी कर रही है। आयकर अधिकारियों ने राज्य के मंत्री अरूप विश्वास के भाई स्वरूप विश्वास के कोलकाता स्थित घर पर छापा मारा। शुक्रवार को ईडी ने राज्य के एक और मंत्री चंद्रनाथ सिंह के घर की तलाशी लेकर करीब 41 लाख रुपए बरामद किए। चंद्रनाथ का एक मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया गया। केंद्रीय जांच एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक मोबाइल फोन की जांच की जा रही है। ईडी ने कहा चंद्रनाथ के घर से और भी दस्तावेज बरामद हुए हैं। ईडी सूत्रों के मुताबिक राज्य मंत्री बरामद पैसे के स्रोत के बारे में संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। दूसरी ओर महुआ के शुरू से ही आरोप से इनकार किया है। हालांकि खुद उद्योगपति हीरा नंदानी ने हल्फनामे में कहा था कि महुआ की लॉग इन आईडी जानकर उसमें सवाल टाइप करते थे। पता चला है कि उस मामले में सीबीआई कृष्णानगर में तृणमूल उम्मीदवार के आवास की तलाशी ले रही है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, तो कहाँ है मछलियाँ और कहाँ रखा जाए पानी, तो एक्वेरियम ही में छुपी है ये सारी कहानी। आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम, जहाँ आपको मिलेंगी हर तरह की मछलियाँ और बेहतरीन एक्वेरियम। आपको आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम में मिल जाएंगी हर तरह के एक्वेरियम इक्विपमेंट, जैसे फिल्टर स्टोन और फिशेस की हर वैरायटी। एक ही नाम, आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम, बीएनआर मोड़ अपोजिट रविंद्र भवन, शॉप नंबर 22। फॉर कॉन्टैक्ट कॉल ऑन 9609773040। जेएनयू में छात्र संघ चुनाव से कुछ घंटे पहले चुनाव समिति ने वामपंथी उम्मीदवार का नामांकन रद्द किया। समाचार का यह भाग प्रायोजित टीवीएस पीएसजे द्वारा। इस बीच मतदान शुरू होने से 7 घंटे पहले यूनाइटेड लेफ्ट पैनल की महासचिव पद की उम्मीदवार स्वाति सिंह को चुनाव समिति इसी से उनका नामांकन रद्द करने का नोटिस मिला। कुछ दिनों पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी ने उनकी अयोग्यता के बारे में अधिकारियों को पत्र लिखा था। गौरतलब है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू के
5,600 से अधिक छात्रों ने शुक्रवार सुबह छात्र निकाय चुनाव में मतदान किया। 4 साल के अंतराल के बाद परिसर में चुनावी हलचल मची थी। 1 घंटे की देरी के बाद सुबह 10 बजे मतदान शुरू हुआ। चुनाव से पहले 7,751 छात्रों ने मतदाता के रूप में पंजीकरण कराया था, लेकिन उनमें से केवल 73% ने ही वोट डाला। नतीजे रविवार को घोषित होने की उम्मीद है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। प्लीज स्टेप इन हिंद कॉस्मेटिक सुपरमार्केट फर्स्ट फ्लोर आसनसोल 713301। प्रोडक्ट्स आर बायोटिक गार्नियर एवर यूथ निविया सहनाज मैमथ O3 प्रोफेशनल लोटस प्रोफेशनल पतंजलि जॉबिस नेचर्स मेंस ग्लो प्लम एम कैपिन VLCC गुड वाइब्स ओला फेम ऑर्गेनिक राजा सुगर लैक्मे वेबलिन लोटस कलर पॉन्ड्स सिल्क मैट्रिक्स लोरियल बेला एटसेट्रा। आवर कॉन्टैक्ट नंबर इज 9126767709। होली में हुड़ दंगियों पर होगी कार्रवाई, अफवाहों पर न दे ध्यान। समाचार का यह भाग प्रायोजित है हिलव्यू हॉस्पिटल द्वारा। बर्नपुर से सुजीत सेन गुप्ता के अनुसार आसनसोल के बर्नपुर इलाके में दोल और होली शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के लिए शुक्रवार को हीरापुर थाना मैदान से सटे हॉल में हीरापुर थाना पुलिस की ओर से शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पुलिस अधिकारियों ने अन्य त्योहारों की तरह इस डोल और होली के दौरान भी शांति बनाए रखने के लिए सभी से सहयोग का अनुरोध किया। किसी भी घटना की जानकारी होते ही बिना किसी अफवाह पर ध्यान दिए पुलिस को सूचना देने का भी आवेदन किया गया है। पुलिस अधिकारी दूसरे समुदाय की भावनाओं का ध्यान रखते हुए होली मनाने पर जोर दे रहे हैं। बैठक के माध्यम से पुलिस अधिकारियों ने होली के दौरान क्षेत्र में हुड़दंग करने और किसी भी तरह की अशांति फैलाने वालों के लिए खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी। इस बैठक में जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और हीरापुर थाना क्षेत्र में शांति बनाए रखने में सहयोग का आश्वासन दिया। इस बैठक में आसनसोल दुर्गापुर पुलिस ASP हीरापुर इप्सिता दत्ता, हीरापुर पुलिस थाना प्रभारी सौमेंद्र सिंह ठाकुर, रक्तदान आंदोलन के प्रण नेता प्रवीर धार, आसनसोल नगर निगम बोरो चेयरमैन शिवानंद बावरी, उत्पल सेन, प्रबोध रॉय, पवन कुमार सिंह, विभिन्न वार्डो के पार्षद एवं क्लब प्रतिनिधि उपस्थित थे। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। प्रिया कॉस्मेटिक नियर मीनार केक शॉप GT रोड आसनसोल 1। আমাদের শপের নাম আসানসোল প্রিয়া কসমেটিক্স। আমাদের শপ হচ্ছে মিনার কেক শপের ভেতরে। আমাদের শপে সমস্ত রকমের কসমেটিক্স প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে, যেমন মেবলিন, কালার বার, সুগার, ল্যাকমি, প্লাম, লোটাস, এছাড়াও সমস্ত রকম প্রফেশনাল প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে। আর আমাদের দেখুন নাম্বার দেওয়া আছে এখানে, এই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। আমাদের হোম ডেলিভারি প্রোভাইড করা হয়। আওয়ার কন্ট্যাক্ট নাম্বার 9563400828 एंड 8918940868। पहली बार आसनसोल जिला अस्पताल के चिकित्सकों कर्मियों की मानवीय पहल। 55 TV रोगियों को दी 6 महीने की खाद्य सामग्री अपने वेतन से। समाचार का यह भाग प्रायोजित है ASP द्वारा। आसनसोल जिला अस्पताल के डॉक्टरों और कर्मचारियों ने 55 तपेदिक टीबी रोगियों को उनके इलाज के दौरान लगातार 6 महीने तक भोजन उपलब्ध कराने की एक अनूठी पहल की। जिले में लगभग 3,000 टीबी रोगी हैं। इनका इलाज जिले के विभिन्न प्रखंड और आसनसोल जिला अस्पताल में किया जा रहा है। शुक्रवार को आसनसोल जिला अस्पताल में पहली बार कर्मचारियों, नर्सों, डॉक्टरों और अधिकारियों ने अपने वेतन से 55 रोगियों को खाद्य सामग्री दिया। कुछ डॉक्टरों और कर्मचारियों ने अकेले ही कई रोगियों को खाना खिलाने का जिम्मा ले लिया है। जब तक उनकी दवा चलेगी वे ही खाना खिलाएंगे। जिला अस्पताल में कार्यक्रम के दौरान जिले के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी CMOH डॉक्टर यूनुस खान, जिला अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर निखिल चंद्र दास,
ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर संजीत चट्टोपाध्याय, डॉक्टर गौतम मंडल, डिप्टी सुपर कंकन रॉय, सहायक सुपर डॉक्टर देवदीप मुखोपाध्याय, श्रीजीत मित्रा, भास्कर हाजरा, मुमताज चौधरी, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अभिषेक रॉय आदि उपस्थित थे। इस कार्यक्रम के बारे में जानने के बाद राज्य क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर संतोष राय वीडियो कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल 100% स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, सेपरेट लैब फॉर फिजिकल केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी, चिल्ड्रन पार्क, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल। मंडल रेल प्रबंधक पूर्व रेलवे आसनसोल ने अंडाल स्टेशन और उपलब्ध संबंधित सुविधाओं की गहन समीक्षा की। समाचार का यह भाग प्रायोजित साइन एकेडमी द्वारा। आसनसोल पूर्व रेलवे आसनसोल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री चेतनानंद सिंह ने आज 22/3/2024 को अंडाल स्थित डीजल शेड, ट्रैफिक कॉलोनी DSEY, बॉक्सेन डिपो और हम्प यार्ड सहित अंडाल स्टेशन और इससे संबंधित उपलब्ध सुविधाओं का गहन निरीक्षण किया। निरीक्षण का उद्देश्य इन महत्वपूर्ण रेलवे संपत्तियों में परिचालन दक्षता, संरक्षा मानकों और यात्री संतुष्टि को सुनिश्चित करना था। निरीक्षण के दौरान मंडल रेल प्रबंधक ने समर्पित अधिकारियों की एक टीम के साथ परिचालन, रखरखाव और बुनियादी ढांचे के विभिन्न पहलुओं का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया। सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने और समस्याओं का तुरंत समाधान करने के लिए कर्मचारियों से प्रतिक्रिया मांगी गई थी। डीजल शेड की जांच में रखरखाव के तरीके, उपकरणों की स्थिति और पर्यावरण और संरक्षा नियमों के अनुपालन का आलंकन करना शामिल था। कार्य प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और लोकोमोटिव रखरखाव कार्यों की दक्षता बढ़ाने के प्रयास किए गए। निरीक्षण दल के ने ट्रैफिक रेलवे कॉलोनी में रहने वाले रेलवे कर्मचारियों के रहन सहन की स्थिति और कल्याणकारी सुविधाओं की समीक्षा की। जीवन स्तर में सुधार लाने और किसी भी बुनियादी ढांचे की कमी को दूर करने के उपायों पर चर्चा की गई और उन्हें प्राथमिकता दी गई। हम्प यार्ड निरीक्षण में माल ढुलाई संचालन को अनुकूलित करने, माल गाड़ियों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने और ट्रैक के बुनियादी ढांचे को अखंडता को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित किया गया। परिचालन दक्षता बढ़ाने और टाउन टाइम को कम करने की रणनीतियों का पता लगाया गया। निरीक्षण पूरा होने पर मंडल रेल प्रबंधक ने सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान देने की जरूरत पर जोर देते हुए सुविधाओं के समग्र प्रदर्शन पर संतुष्टि व्यक्त की। सेवा वितरण की गुणवत्ता बढ़ाने और यात्रियों और रेलवे कर्मियों की सुरक्षा और आराम सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता के साथ पहचाने गए मुद्दों को समाधान के तत्काल कार्य योजनाएं तैयार की गई। बाद में श्री सिंह मंडल रेल प्रबंधक आसनसोल ने ERAMU ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन द्वारा अंडाल स्थित चितरंजन इंस्टीट्यूट में आयोजित रक्तदान शिविर में भी भाग लिया। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Admissions open now at St. Christopher Mission School, run by Anglo-Indian Society, affiliated to CBSE Delhi. Special features are low affordable fee structure, smart class, well-trained teachers, indoor-outdoor games, transport facility, co-curricular activities, classes from nursery to 12. It's time for your child to explore the creativity. Thank you. दक्षिण रेलवे आसनसोल मंडल में स्टॉपेज के साथ कोयंबटूर और पटना के बीच होली स्पेशल ट्रेन चलाएगा। समाचार का यह भाग प्रायोजित एंजल द्वारा। आसनसोल आगामी होली के दौरान यात्रियों की अपेक्षित भीड़ से निपटने के लिए दक्षिण रेलवे ने विभिन्न दिशाओं में होली स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। भीड़ की समस्या को कम करने और यात्रियों के लिए परेशानी मुक्त यात्रा सुनिश्चित करने के लिए कोयंबटूर और पटना के बीच स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। यह स्पेशल ट्रेन होली त्यौहार की अवधि के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को समायोजित करने के लिए अतिरिक्त क्षमता और आरामदेह यात्रा प्रदान करेगी। 06093 कोयंबटूर पटना सुपरफास्ट होली स्पेशल
22/3/2024 को 21:45 कोयम्बटूर से रवाना होगी एक ट्रिप और 24/3/2024 को 20:00 पटना जंक्शन पहुंचेगी और 06/09/04 पटना कोयम्बटूर सुपर फास्ट होली स्पेशल 27/3/2024 को 14:00 पटना से रवाना होगी एक ट्रिप और 29/3/2024 को 11:00 कोयम्बटूर पहुंचेगी। यह स्पेशल ट्रेन मार्ग में दोनों दिशाओं में पूर्व रेलवे के क्षेत्राधिकार में आसनसोल मंडल के आसनसोल चितरंजन जामताड़ा मधुपुर और जसीडीह स्टेशनों पर रुकेगी। इस होली स्पेशल ट्रेन को शुरू करने से रेलवे को बड़ी संख्या में बर्थ उपलब्ध होगी जिससे होली के त्यौहार के दौरान यात्रियों की बढ़ती संख्या से काफी राहत मिलेगी। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। रेखा मैचिंग, सभी प्रकार के सभी रंगों के मैचिंग पॉपलिन रूबिया फैंसी दुपट्टे और फैंसी ड्रेस मटेरियल्स के लिए रेखा मैचिंग पधारें। टीपी मार्केट आसनसोल, मोबाइल नंबर 9635640012। दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को शराब घोटाला मामले में बीआरएस नेता के कविता को 3 और दिनों के लिए प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेजा गया। समाचार का यह भाग प्रायोजित है बीएनएम कोचिंग सेंटर द्वारा। इससे पहले जांच एजेंसी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में बीआरएस एमएलसी की 5 दिन की और रिमांड मांगी थी। ईडी ने अदालत को यह भी बताया कि कविता के भतीजे मेघा सरन के घर पर तलाशी चल रही है। ईडी के वकील जोएब हुसैन ने कहा कि केक कविता की रिमांड की सभी शर्तों का पालन किया गया था। उन्होंने कहा कि हर 24 घंटे में मेडिकल जांच हुई थी। हुसैन ने कहा एक बार जब उनका रक्तचाप बढ़ा तो दवा दी गई। भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसी के प्रतिनिधि ने अदालत को बताया कि बीआरएस एमएलसी का बयान 4 अन्य के साथ दर्ज किया गया था। उन्होंने कहा कि कई अन्य सह आरोपियों के बयान भी आमने सामने कराए गए। हुसैन ने कहा कि कविता का उनके मोबाइल डेटा की फॉरेंसिक रिपोर्ट से आमना सामना कराया गया जिसमें डेटा को हटाने और फॉर्मेट करने की बात सामने आई। उन्होंने कहा उन्होंने 100 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की साजिश रची। बाद में दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में भारत राष्ट्र समिति बीआरएस की नेता के कविता को 26 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय ईडी की हिरासत में भेज दिया। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। स्टूडेंट स्टडी सेंटर फॉर इंग्लिश मैथ्स आर्ट्स एंड साइंस ग्रुप फ्री स्पोकन इंग्लिश क्लासेस क्लास 5 to 12। कॉन्टैक्ट सीके बनवाल 9832239611 एंड अंकित श्रीवास्तव 9641070758। बुद्धा हजरा दुर्गा मंदिर आसनसोल। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का बड़ा एक्शन, देश भर के 20 स्कूलों की मान्यता रद्द। समाचार का यह भाग प्रायोजित है एसके इन्फोकॉम द्वारा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने डमी छात्रों का नामांकन करने वाले 20 स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी है। इनमें दिल्ली के 5 स्कूल भी शामिल है। CBSE के सचिव हिमांशु गुप्ता ने कहा कि देश भर के CBSE स्कूलों में यह जांचने के लिए औचक निरीक्षण किया गया कि क्या स्कूल संबद्धता और परीक्षा उपनियमों में निहित प्रावधानों और मानदंडों के अनुसार चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान पाया गया कि कुछ स्कूल डमी छात्रों अयोग्य उम्मीदवारों को पेश करने और रिकॉर्ड ठीक से नहीं रखने जैसे विभिन्न कदाचार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पूरी जांच के बाद 20 स्कूलों की मान्यता रद्द कर और 3 स्कूलों की रेटिंग डाउनग्रेड करने का फैसला किया है। ऐसे स्कूलों में से 5 दिल्ली में, 3 उत्तर प्रदेश में, 2 केरल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में और 1 जम्मू कश्मीर, देहरादून, असम और मध्य प्रदेश में है। डाउनग्रेड किए गए स्कूल दिल्ली, पंजाब और असम में हैं। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज मोमेंट। फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट एडिटर 9563830। सलानपुर प्रखंड के 4 पंचायत के कार्यकर्ताओं के साथ कार्यशाला। सलानपुर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर शनिवार को सलानपुर प्रखंड से संबंधित अल्लादी, डेंडुआ, बासुदेवपुर, जेमारी और सलानपुर पंचायत के नेताओं के साथ एक बैठक आयोजित की गई। इस दिन बैठक में बाराबनी विधायक और मेयर विधान उपाध्याय मौजूद थे। इसके अलावा सलानपुर ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष मोहम्मद अरमान, उपाध्यक्ष भोला सिंह, ब्लॉक मजदूर संघ के अध्यक्ष मनोज तिवारी, पंचायत समिति अध्यक्ष कैलाशपति मंडल, उपाध्यक्ष विद्युत मिश्रा और कई अन्य लोग उपस्थित थे।
इस दिन विधायक और मेयर विधान उपाध्याय ने एक संदेश दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से घर घर जाकर लोगों से जनसंपर्क बढ़ाने और राज्य सरकार की हर परियोजना का प्रचार प्रसार करने को कहा। उन्होंने कहा कि राज्य भर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हाथों काफी विकास हुआ है, साथ ही उन्हें लोगों के घर जाकर यह पता लगाना चाहिए कि राज्य सरकार की हर परियोजना का लाभ लोगों को मिल रहा है या नहीं। दीदी के एक हाथ को मजबूत करने के लिए हमें एकजुट होकर चुनाव लड़ना होगा। आम आदमी पार्टी के एक और विधायक पर ईडी की छापेमारी, गुलाब सिंह के आवास पर पहुंची जांच एजेंसी की टीम। केंद्रीय जांच एजेंसी ने विधायक गुलाब सिंह के घर पर छापेमारी की है। आम आदमी पार्टी ने शनिवार को यह दावा किया है। पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसी ने एक और विधायक के घर पर रेड की है, जिस पर पार्टी ने कई सवाल उठाए हैं। वहीं पार्टी के विधायक गुलाब सिंह यादव पर की गई छापेमारी को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जानती है कि भाजपा सरकार विपक्ष को जेल में डालना चाहती है। भारत रूस की राह पर चल रहा है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में अब तानाशाही देखने को मिल रही है। अगर यही आलम रहा तो एक दिन लोगों की बुनियादी अधिकार खत्म हो जाएंगे। हमारे पार्टी के चार शीर्ष नेता झूठे मामलों में जेल में बंद है। हम गुजरात में चुनाव लड़ रहे हैं और पार्टी के गुजरात प्रभारी गुलाब सिंह यादव के यहाँ परिवर्तन निदेशालय की टीम ने छापेमारी की है। आने वाले समय में आम आदमी पार्टी के नेताओं और विपक्षी नेताओं के घर पर छापे मारे जाएंगे। ताकत दिखाकर विपक्ष को डराकर चुप करने की यह साजिश है। अब अंत में समय है मूवमेंट के एसएमएस का। द सेंसिटिविटी ऑफ लॉ कैन बी मेंटेन्ड ओनली सो लॉन्ग एज इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ द विल ऑफ द पीपल। कानून की पवित्रता तभी तक कायम रह सकती है जब तक वह लोगों की इच्छा की अभिव्यक्ति हो। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आए तो कृपया शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और आगे की अधिसूचना के लिए बेल आइकन को पुश करना ना भूलें।